फिरोजाबाद थाना लाइन पर एसओजी एवं सर्विलांस टीम ने हत्या करने वाले को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें आरोपी ने 19 लाख रुपए के तकादे से बचने के लिए पुष्पेंद्र की हत्या कर दी थी, जिसका पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोमवार को हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्या में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, वहीं अन्य की तलाश की जा रही है। बताते चलें कि 9 मार्च को थाना लाइन पार्क के आलमपुर जारखी पर एक शव पड़ा मिला था, जिसका परिजनों ने थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर थाना पुलिस टीम एसओजी और सर्विलांस टीम ने पुष्पेंद्र की हत्या में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि पुष्पेंद्र व महेंद्र प्रताप सिंह निवासी कुंजपुरा हवेली थाना अनाव के बीच लगभग 19 लाख रुपए लेन देन का विवाद था। तकादे से बचने के लिए महेंद्र प्रताप ने पुष्पेंद्र की हत्या की साजिश रची थी, उसे बहाने से नगलाबरी चौराहा पर बुलाया था तथा अपने अन्य साथी के साथ राजा के साथ मिलकर आलमपुर जारखी लेकर गए, जहां आरोपी राजा ने पहले पुष्पेंद्र की पीठ में गोली मारी, बाद में सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी महेंद्र प्रताप को रेलवे अंडरपास नकटपुरा से गिरफ्तार किया, उसकी निशानदेही पर सर्जिकल ब्लेड भी बरामद किया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे आरोपी राजा निवासी विजेंद्र कॉलोनी शिकोबाद की तलाश जारी है। एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि महेंद्र प्रताप पुष्पेंद्र के रुपए वापस नहीं देना चाहता था, इसलिए उसकी योजनाबद्ध तरीके से पुष्पेंद्र की हत्या की, जिसमें मृतक के बड़े भाई अनिल का अपने ससुरालीजन से दहेज हत्या का मामला चल रहा है। अनिल इन दिनों जेल में है। आरोपियों को उम्मीद थी कि पुष्पेंद्र की हत्या का दोष अनिल के ससुर सोमराज पर आएगा, जिससे वह स्वयं बच जाएंगे। देखिए, थाना लाइन पार में 10 मार्च को एक हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 4 लोग नामजद थे। इसकी जब विवेचना प्रारंभ की गई तो जो इसमें आरोपी गण थे उनकी संलिप्तता के बारे में हमारी टीमों को संदेह हुआ। इस घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें इसमें बनाई गई, जिसमें एक टीम तो लाइन पार की थी और एक सर्विलांस एसओजी की थी और तीसरी टीम बनाई गई थी उत्तर थाने की, जो एसआई महावीर थे। तीनों टीमों ने सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, साथ ही साथ जो हमारा टेक्निकल सर्विलांस है उस पर भी उन्होंने काम किया, तो ये पता चला कि इसमें जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं संभवतः इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद हमारी टीम ने इसमें गहनता के साथ में विवेचना की तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पाया कि इसमें एक महेंद्र है जो इनका दूर का रिश्तेदार है, साथ ही साथ उसका एक दोस्त है राजा। इन लोगों ने एक पूर्व का मुकदमा था उसमें समझौते के बहाने उसको बुलवाया, फिर अपनी चरपहिया स्कॉर्पियो छोड़ करके उसकी बाइक से गए और जो इसमें आरोपी थे सोमराज उसके खेत के पास ले जा करके उसकी हत्या कर दी है और उसके बाद वहाँ पर सो छोड़ दिया और इनके संपर्क करके बताया कि सोमराज वगैरह ने ही इसकी हत्या की होगी और उनको नामजद करा दिया। इसके बाद जब इनको हिरासत में लिया गया महेंद्र को, जिसे गहनता से पूछताछ की गई, तो इन्होंने पूरी कहानी बताया कि जो इसमें जो सोमराज है उसकी बेटी जिसका 304B का मुकदमा चल रहा है, जो मृतक पुष्पराज है उसका बड़ा भाई अनिल जो जेल में निरुद्ध है, मुकदमे में समझौते के बहाने से ले गए और उसकी हत्या कर दी। इसी क्रम में ये भी एक बात प्रकाश में आई कि इसमें जो महेंद्र है उसने 19 लाख रुपया एक प्रॉपर्टी खरीदवाने के लिए उनसे लिया था, 5 लाख की प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम जो इसमें मृतका थी 304B की केस में उसके बच्चे के नाम कर दिया था और उसमें संरक्षक बनाए गए थे पुष्पेंद्र और उसके पिता श्यामवीर और 14 लाख रुपया बकाया था। 14 लाख रुपए की डिमांड लगातार मृतक पुष्पेंद्र से कर रहा था तो उसी के बाद से इन्होंने प्लानिंग की और इस घटना को अंजाम दिया। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद की गई है, सर्जिकल ब्लेड जिससे उनका गला काटा गया था वो भी बरामद किया गया है। इसमें जो वांछित अपराधी है राजा उसी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, हमारी टीम लगातार सक्रिय है और निश्चित रूप से ये जो खुलासा किया गया है ये बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है, इसके लिए पूरी टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।